नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से साउथ की कुछ जबरदस्त सस्पेंस मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी मूवीज लेकर आया हूं, जो कि आपको हिंदी में ही YouTube पर देखने को मिलेगी। और आप सभी की सुविधा के लिए इन सभी मूवीज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं तो मूवी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगले वीडियो में मैं उस मूवी को जरूर से लेकर आऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शिवाजी महाराज नंबर 5 पर है दोस्तों 2021 की एक मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर पर बनी मूवी जयंती। इस फिल्म में आपको ऋतुराज वानखेड़े, किशोर कदम और भी कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। कहानी की बात करें तो पड़ोस में हुए एक मर्डर को लेकर एक गुंडा संतोष बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाता है और घबरा जाता है। फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक लड़की पल्लवी उसकी मदद करने के लिए सामने आते हैं। अब देखना ये होगा कि पड़ोस में हुए मर्डर की वजह संतोष आखिर क्यों परेशानी में पड़ जाता है और आगे आगे इस मूवी में क्या होता है, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों ये मूवी काफी अच्छी है, जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस मूवी को IMDb से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। आप उन्हें क्या नटते थे नटने ट्रिक पूरी है लल्ला। नंबर 4 पर है साल 2021 की एक एक्शन और साइंस फिक्शन पर बनी मूवी मन्नाडू। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में आपको सीलम बरियासन, कल्याणी और SJ सूर्या जैसे कलाकार देखने को मिलने वाले। कहानी की बात करें तो मुख्यमंत्री के जनसभा वाले दिन एक पुलिस वाला और एक आदमी एक टाइम लूप में फंस जाते हैं, जहां उन्हें एक ही दिन को बार बार जीना पड़ता है। तो देखना ये होगा कि ऐसे में उनके साथ क्या क्या होता है और कैसे वो टाइम लूप से बाहर आ पाते हैं या नहीं। दोस्तों फिल्म में दिखाया गया स्क्रीन प्ले और एक्शन काफी जबरदस्त है, जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। IMDb से इस मूवी को 3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 3 पर है साल 2016 की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लप्पा छप्पी। इस फिल्म में आपको पूजा सावंत, विक्रम गायकवाड़ और उषा नायक जैसे कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी में नेहा, जो कि एक 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी है, वो और उसका पति एक गन्ने के खेत के अंदर छुपे एक घर में रहने के लिए जाते हैं। लेकिन ये खेत अतीत के रहस्य से भरे पड़े होते हैं, जो नेहा के सामने खुलने लगते हैं और वहीं वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव करना शुरू करती है, जिसमें माँ और उसके अपैदा हुए बच्चे के लिए खतरा पैदा हो जाता है। अब आखिर वो रहस्य क्या होते हैं, जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म काफी अच्छी है, जो कि आपको जरूर से देखनी ही चाहिए। IMDb से इस मूवी को 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। छोरियों के गायब होने के हालात एक जैसे, लाइफ में आदमी एक जैसा और तो और दहेज की कहानी एक जैसी। नंबर 2 पर आती है 2023 की एक क्राइम मिस्ट्री और थ्रिलर पर बनी सीरीज दहाड़। इस सीरीज के लीड रोल में आपको विजय वर्मा, सोनाक्षी सिन्हा और भी कई सारे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलते हैं। सीरीज की स्टोरी राजस्थान की है, जहां पर देखते ही देखते 27 लड़कियां गायब हो चुकी है और इन 27 लड़कियों का रेप और मर्डर हुआ होता है। इन लड़कियों का मर्डर इस तरह से किया जाता है कि ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड लगे, और इन सभी मर्डर और रेप के पीछे जो आदमी है उसे आप जरा सा भी गेस नहीं कर सकते। सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा, जो कि पुलिस ऑफिसर का रोल कर रही है, उन्हें इस किलर को पकड़ना होता है, लेकिन ये किलर इतना शातिर है कि उनके हाथ लगता ही नहीं। क्या एंड तक सोनाक्षी सिन्हा इस किलर को पकड़ पाती है नहीं, यही जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी है। तो ये सीरीज काफी बेहतरीन है, जिसमें आपको भरपूर सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। IMDb से इस सीरीज को 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। और नंबर 1 पर आती है 2017 की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी इलाई। इस फिल्म में आपको स्वाति नारायण, बीजू राज और भी कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। कहानी में इलाई, जो कि एक 10th क्लास की स्टूडेंट है, वो एक ऐसे गांव से ताल्लुक रखती है जहां के लोग महिला सशक्तिकरण से पूरी तरह से नफरत करते हैं। लेकिन इलाई के पिता चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे और इलाई को भी पढ़ने का बहुत शौक होता है। दूसरी ओर उसकी माँ के समेत सभी और लोग उसके शिक्षित होने का विरोध करते हैं, लेकिन अपनी ये सारी मुसीबतों के बावजूद वो अपनी 10th की लास्ट एग्जाम देने के लिए जाती है। लेकिन एग्जाम सेंटर पहुंचने तक उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जो कि फिल्म में देखना काफी बेहतरीन होगा। दोस्तों इस मूवी को दर्शकों के सामने इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि देखने वाले को ये मूवी अपनी तरफ खींच लेती है। तो अगर आपने अब तक इस मूवी को मिस कर दिया है तो आपको इस मूवी को जरूर से देखना चाहिए। इस मूवी को IMDb से 10 आउट ऑफ 10 की एक काफी बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी टॉप 5 मूवीज, जो कि आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी।